हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नींबू का अचार कैसे डालें। तो इसके लिए ये मैं 1 किलो नींबू का अचार का रेसिपी बता रहा हूँ। अगर आप कम ज़्यादा लेते हैं आप उसके हिसाब से नमक वगैरह डाल लीजिएगा। सबसे पहले आपको 1 किलो नींबू लेने हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे नींबू बोए जो पीले रंग के हों। ये मेरे घर पे लगे थे अच्छे अच्छे नींबू, ये देखिए कितने अच्छे लगे हैं। तो ये थोड़े हरे हैं तो आप पीले पीले लीजिएगा। तो इसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ क्या क्या करना है। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहे और पूरा वीडियो जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम नींबू को काटते हैं। फ्रेंड्स, जब आप ये सबसे पहले आपने नींबू को धो लेना है, और उसके बाद ये जो ऊपर वाली इसकी डंडी होती है वो काट लेनी है। जैसे ये ऊपर बनी हुई ना, इसको हम सभी की काट लेंगे, बहुत ही बराबर बराबर सभी की सभी। ठीक है, तो आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपने हमने ये अचार काट ली है नींबू को। ये देखिए इस तरह के आपने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। अगर आपको ज़्यादा शौकीन है तो बड़े भी कर सकते हैं, या 3-4 फाड़ियाँ भी खा सकते हैं लेकिन कम ही खाइएगा क्योंकि कई बार जुकाम भी लग सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हम डालेंगे 6 चम्मच। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चम्मच। ठीक है, ये देखिए हमने ये वाली कटोरी ली हुई है, और उसके बाद इसे हम डालेंगे काला नमक, 1, 2, 3, 4 और इसमें 4 चम्मच हम काला नमक डालेंगे, और ये 6 चम्मच हमने व्हाइट नमक डाला है, मतलब सफेद नमक। ठीक है, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच चीनी, ये इसके बीच में डाल देंगे। ठीक है, 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं। आप ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो आप नहीं भी डाल सकते, ये आपकी चॉइस होती है। वैसे हम ज़्यादा खट्टा नहीं खाते, इसलिए हम थोड़ी सी चीनी डाल रहे हैं, इससे इसका स्वाद टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, और उसके बाद ये डालेंगे देगी मिर्च। अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हम कम खाते हैं इसे सिर्फ रंग बनाने के लिए 1/2 चम्मच डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद आएगी इसके में अंदर अजवाइन। ठीक है जी, देखिए इस तरह की अजवाइन होती है, ये अजवाइन डालेंगे जी, हम डालेंगे 2 चम्मच। ठीक है, और उसके बाद इसमें लो जो लास्ट चीज पड़ती है वो होती है हमारी काली मिर्च, ये भी हम 2 चम्मच डालेंगे। ठीक है, 1, 2 चम्मच। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद इसको हम बंद कर देंगे, और जो हमारा नमक है इसको इसमें मिक्स करके तो इसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, ये डालने के बाद आपको एक चम्मच और भी डाल सकते हैं वैसे, तो ये आपका अभी 7 चम्मच सफेद नमक पड़ा है और 4 चम्मच काला नमक, टोटल 11 चम्मच हमने ये नमक डाला है। और उसके बाद इसको आपने हाथों के साथ या आप करछी वगैरह के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप हाथ के साथ मिक्स करते हैं तो हाथ तो जरूर धो लें, क्योंकि हाथ मिर्ची वाले आंखों में ना लगे, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप मिर्ची के शौकीन हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। इसमें हरी मिर्च भी आप अपने मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें मिर्ची और अदरक भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मिर्ची अगर ज़्यादा आप खुश्क होकर खाते हैं तो मिर्ची का अचार लेमन के साथ बहुत ही मज़ेदार होगा। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, ये अचार आपका सालों साल चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखिए, ये आपका अचार रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको इसको 3 या 4 दिन धूप में रखना होता है, और इस एक बात का ध्यान रखें, इसको किसी डब्बी में डाल के डब्बा बंद करके धूप में आपने 3 से 4 दिन रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।